अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शहजाद टेक रिव्यूज़ चैनल पे आपको वेलकम कहता हूँ। आज की वीडियो के अंदर मैं स्मार्ट वॉचेस को कंपेयर करने वाला हूँ। पहली स्मार्ट वॉच हमारे पास Zblaze GTR 2 के मॉडल के नाम से निकल के आती है, जबकि दूसरी स्मार्ट वॉच हमारे पास IMI Lab W12 स्मार्ट वॉच देखने को मिल जाती है। तो इन दोनों स्मार्ट वॉचेस को यहाँ पे कंपेरिजन करके देखते हैं जी, कौन सी स्मार्ट वॉच हमारे पास वैल्यू फॉर मनी देखने को मिल जाती है। सारी चीज़ें डिटेल के साथ इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि इन फ्यूचर मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में टाइम से मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर ली जाए अगर दोनों स्मार्ट वॉचेस की, तो काफ़ी अच्छी स्मार्ट वॉच दोनों देखने को मिल जाती हैं। प्राइस के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है, लेकिन ओवरऑल स्मार्ट वॉचेस काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहले बात कर ली जाए अगर डायमेंशन वगैरह की, तो आपको 11 mm की थिकनेस देखने को मिल जाती है W12 स्मार्ट वॉच की, जबकि 14 mm की आपको थिकनेस देखने को मिल जाती है Zblaze GTR 2 स्मार्ट वॉच के अंदर। वेट के हवाले से बात करें तो आपको 48 ग्राम का वेट W12 स्मार्ट वॉच का, जबकि 50 ग्राम का वेट आपको Zblaze GTR 2 का देखने को मिल जाता है। दोनों की शेप आपको राउंड देखने को मिल जाती है। कलर्स के हवाले से बात करें तो ब्लैक कलर आपको W12 स्मार्ट वॉच का, जबकि ब्लैक, सिल्वर और गोल्ड तीन कलर आपको Zblaze GTR 2 के देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए डिस्प्ले की, तो IPS डिस्प्ले 1.32 inches का W12 स्मार्ट वॉच के अंदर, जबकि 1.3 inches का आपको यहाँ पे IPS पैनल देखने को मिल जाता है Zblaze GTR 2 के अंदर। रेजोल्यूशन की बात करें तो 360x360 की रेजोल्यूशन आपको W12 स्मार्ट वॉच की, जबकि 240x240 की स्क्रीन रेजोल्यूशन आपको Zblaze GTR 2 प्रोवाइड कर देती है स्मार्ट वॉच। एंड्रॉयड और iOS दोनों डिवाइसेस के लिए आपकी स्मार्ट वॉचेज कंपेटिबल देखने को मिल जाती हैं। मजीद अगर सेंसर्स के हवाले से बात करें तो हार्ट रेट सेंसर, प्रॉक्सीमिटी सेंसर, एक्सीलरोमीटर सेंसर और SPO2 सेंसर आपको दोनों स्मार्ट वॉचेज के अंदर मिल जाते हैं। ब्लूटूथ वर्जन 5.0 दोनों स्मार्ट वॉचेज सपोर्ट करती हैं। ब्लूटूथ कॉलिंग आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती W12 स्मार्ट वॉच के अंदर, NFC भी नहीं मिलता, GPS भी नहीं देखने को मिलता, जबकि कॉलिंग आपको मिल जाती है Zblaze GTR 2 के अंदर, और NFC भी प्रोवाइड किया गया, जबकि GPS आपको Zblaze GTR 2 के अंदर भी नहीं देखने को मिलता। 13 मल्टी स्पोर्ट्स मोड आपको IMI लैब W12 के अंदर, जबकि 15 मल्टी स्पोर्ट्स मोड Zblaze GTR 2 के अंदर देखने को मिल जाते हैं। हार्ट रेट सेंसर, स्लीप मॉनिटर, ब्लड प्रेशर मॉनिटर आपको दोनों स्मार्ट वॉचेस के अंदर देखने को मिल जाते हैं। वाटर प्रूफ के हवाले से बात करें तो IP68 की रेटिंग आपको दोनों स्मार्ट वॉचेस के अंदर सेम देखने को मिल जाती है। एडिशनल फीचर्स के हवाले से बात करें तो सेडेंट्री रिमाइंडर, स्लीप मॉनिटर, अलार्म, बैरोमीटर, ब्राइटनेस एडजस्टिंग के फीचर्स आपको दोनों स्मार्ट वॉचेस के अंदर सेम देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा बैटरी कैपेसिटी आपको 330 mAh की देखने को मिल जाती है IMI लैब W12 स्मार्ट वॉच के अंदर, जबकि 230 mAh की बैटरी आपको Zblaze GTR 2 के अंदर देखने को मिल जाती है, जो कि एक कम बैटरी सेटअप प्रोवाइड कर देती है। ओवरऑल बैटरी यूजेज आपको IMI लैब W12 के अंदर ज़्यादा देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बैटरी कैपेसिटी आपको यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल जाती है। 5 से 7 days का आपको बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा Zblaze GTR 2 के अंदर, जबकि 10 days का आपको बैटरी बैकअप स्टैंड बाई टाइम देखने को मिल जाएगा IMI लैब W12 के अंदर। इसके अलावा एप्लीकेशन आप अगर डिवाइस के अंदर इंस्टॉल करेंगे तो आपकी डिवाइस के साथ स्मार्ट वॉच कनेक्ट होती है, तो आप ग्लोरी फिट एप्लीकेशन करेंगे दोनों डिवाइसेस, दोनों यानी स्मार्ट वॉचेज अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं IMI लैब हो या फिर Zblaze GTR 2 हो, तो आप ग्लोरी फिट एप्लीकेशन करेंगे अपनी डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकेंगे। इसके अलावा स्ट्रैप की बात करें तो सिलिकॉन का स्ट्रैप आपको W12 के अंदर, जबकि रबर का स्ट्रैप आपको देखने को मिल जाता है Zblaze GTR 2 के अंदर। अगर यहाँ पे आखिर में बात कर लें दोनों स्मार्ट वॉचेज की प्राइस रेंज की, तो आपको IMI लैब W12 स्मार्ट वॉच की प्राइस रिटेल तकरीबन 7000 के करीब करीब देखने को मिल जाती है, जबकि 11000 की प्राइस रिटेल आपको Zblaze GTR 2 के अंदर देखने को मिल जाएगी। और बॉक्स के कंटेंट्स के अंदर आपको स्मार्ट वॉच, चार्जिंग केबल और यूजर मैनुअल गाइड वगैरह देखने को मिल जाती हैं। ब्लूटूथ कॉलिंग, माइक, स्पीकर और म्यूजिक वगैरह के एडिशनल ऑप्शन आपको Zblaze GTR 2 के अंदर देखने को मिल जाएंगे, जो कि IMI लैब W12 के अंदर नहीं देखने को मिल जाते। तो ये था ओवरऑल दोनों स्मार्ट वॉचेस का डिटेल कंपैरिजन, और काफ़ी अच्छी स्मार्ट वॉचेस दोनों देखने को मिल जाती है, लेकिन थोड़ी सी बैटरी आपको ज़्यादा देखने को मिल जाती है यहाँ पे IMI लैब W12 के अंदर। इसके
इसके अलावा तीन कलर आपको Z-Blaze GTR 2 के देखने मिल जाते हैं, जबकि ब्लैक कलर आपको सिर्फ IMI Lab W12 के अंदर देखने को मिल जाता है। और ओवरऑल दोनों स्मार्ट वॉचेस काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। प्राइस के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, 11,000 की प्राइस रिटेल के अंदर Z-Blaze GTR 2, जबकि 7,000 की प्राइस रिटेल के अंदर W12 स्मार्ट वॉच मिल जाती है। तो ये था कंपेरिजन Z-Blaze GTR 2 और IMI Lab W12 स्मार्ट वॉच का। मजीद स्मार्ट वॉचेस के कंपेरिजन के लिए चैनल का लें सब्सक्राइब, और किसी भी स्मार्ट वॉच का कंपेरिजन बनाना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद का तो यूज़फुल लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल का लें सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक अनबॉक्सिंग टेक रिव्यूज टेक अपडेट स्मार्ट वॉच कंपेरिजन के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह निगहबान।